सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उससे उनकी हर बात को शिक्षा ग्रहण कीजिएगा और अपने जीवन में आचरण करने का, पालन करने का विचार कीजिएगा। मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, लेकिन जो मैंने वैष्णवों के साथ रह के, मेरी भाभी हैं पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की शिष्य हैं, नवीन प्रभु जी हैं पूज्यपाद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, मेरी ननंद है इंदु दीदी, राणो दीदी, मेरी आंटी जो घर में काम करती हैं, इन सबसे जो मैंने सीखा और मैंने जो गुरुवर्ग के विचार थोड़े सुने, मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि दीदी ने बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। देखिए, हम कब समझेंगे कि हम आत्मा हैं? जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरे, ये सब चीज़ें रहेंगी तो हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ सकते। उन्होंने डाइट के बारे में बताया, लेकिन हमारी जो आसक्ति शरीर से क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर देह आसक्ति है। देह आसक्ति का मतलब हम समझते हैं हम शरीर हैं। देखिए, ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, माला कैसे करेंगे? जो हमारे गुरुदेव हैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो अपनी हर कथा में कहाँ आ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कहते हैं आत्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र सहारा क्या है? देखिए, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, हमारी इंद्रियां हैं जो हमें भजन नहीं करने देती, वो क्या है? सेंसेस, 5 senses, आंख, नाक, कान, हमारा मन, ये हमें भजन नहीं करने देता। तो आप क्या करो, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को वैष्णव सेवा में लगा दो। जब आप वैष्णव सेवा करोगे तो क्या करेंगे, मन जो है भगवान के भजन में लगना शुरू हो जाएगा। आप क्या करो, खूब वैष्णव सेवा करो, वैष्णवों के लिए प्रसाद बनाओ, उनकी सेवा करो। और हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, जिनका चित्रपट उधर है, वो कहते हैं तुम लेबर की तरह काम करो। एक सेवा खत्म हो गई, घर का हम जो भी काम करें उसको ये ना समझे कि हम काम कर रहे हैं, हमारा शरीर दुख जाएगा, ये हो जाएगा। आप उसको समझो कि ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी की सेवा करनी है, शौचालय साफ करना है, वो भी मेरे ठाकुर जी का है। तो वो कहते हैं कि लेबर की तरह काम करो, जब एक सेवा खत्म हो जाए तो बैठो मत, दूसरी सेवा के लिए तत्पर हो जाओ, फिर तीसरी सेवा करो। तो उनकी उनके जो बायोग्राफी है उसमें भी एक कथा आती है कि एक बार उन्हें बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर था, लेकिन उनके गुरुपाद पद्म ने बोला कि तुम्हें कुछ वैष्णव लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रसाद तैयार करना है। तो उन्होंने विरोध नहीं किया या उन्होंने कोई सफाई नहीं दी कि मैं नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ। तो हमें ऐसे बनना है, हमें इस शरीर में नहीं देखना, क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से, हमारे पूर्व जन्मों में जितने भी हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से हम आज इस स्थिति में हैं। हमें ऐसा घर क्यों मिला, हमारा विकास पूरी में ही क्यों रहे, हमारे यहीं पे जन्म क्यों हुआ, यही मेरी मैया क्यों है, यही मेरे पिताजी क्यों हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग हर संडे ठाकुर जी की पालकी यात्रा भी इसीलिए निकालते हैं, ये क्योंकि मेरे गुरुदेव की सेवा है मेरे लिए, और ये हम निःशुल्क निकालते हैं ताकि हम सबको बता सकें कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे हम प्रचार इसीलिए करते हैं। मैं नहीं, नवीन कृष्णदास प्रभु जी जो हैं, उन्हीं से मैंने जो भी सीखा है सिर्फ उन्हीं से सीखा है, और मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। और भगवान की भी मुझ पर कृपा है, क्योंकि मैं ऐसे घर में आई कि ठाकुर जी हैं और सब वैष्णव लोगों के बीच में मैं रहती हूँ, मेरा साधु संग हो रहा है। तो एक चीज़ मैंने किया, मेरे को ऐसा परिवार क्यों मिला, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, विग्रह के भगवान जी के सामने आप लोग प्रार्थना करो, कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। क्या करो, भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करो कि भगवान मुझे निष्कपट बनाओ, मुझे सरल बनाओ, मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग दो, और मेरी जो देहात्म बुद्धि है उसको खत्म कर दो, मेरा चिंतन सदैव आप में बना रहे। और लास्ट बात ये कहूंगी कि जो मेरे गुरुदेव हैं वो इतने 6 दिनों से भागवत कथा हम लोगों को श्रवण करा रहे हैं। देखिए, माला तो करेंगे, हरिनाम तो करेंगे, लेकिन अगर आप खाली अपने आप माला लेके हरिनाम करेंगे उससे उतना कल्याण नहीं होगा जितना अगर आप किसी गुरु के अंडर गाइडेंस में आके हरिनाम करेंगे। तो कहते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो हर जन्म में मिलते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं जिसमें हम कभी गधे बने होते हैं, कभी सुअर, कभी अपने अपने कर्मों की वजह से। और ऐसा भी नहीं कि हमारा अगला जन्म मनुष्य का ही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं फटाफट से कर लो भजन, शास्त्रों में कहते हैं तुर्णम यते ना भते, फटाफट से जब समझ आए कि ठाकुर जी का भजन करना है तभी से कर दो,
देखो मेरा ना कुछ रिलेट नहीं हो रहा, मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादर गोविंद सर्व कारण कारणम। गुरुदेव ने भी बताया कि जो परम ईश्वर है, जो मूल है, जो कंट्रोलर है, वो कौन है? कृष्ण भगवान। जब तक आप कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करोगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आज करो, 10 साल बाद करो, 1000 साल बाद करो, 84 लाख योनियों के बाद करो, आपको किस पे आना पड़ेगा? मूल कृष्ण भक्ति पे आना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कहते हैं हर जन्म में क्या होता है, हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन गुरुदेव जो होते हैं, गुरुदेव कौन होते हैं? गुरुदेव एक ही होते हैं जो हमें जन्मों जन्म से तार देंगे। गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे जितने भी पाप होते हैं ना, गुरुदेव उनको काट देते हैं और क्या करते हैं, हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। बिना गुरुदेव के हमारा जो नाम लेना भी होगा वो उतना सफल नहीं हो पाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरु धारण कीजिए। हमारे बीच में पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी आए हुए हैं, ये सौभाग्य हमें मिले ना मिले, किस जन्म में मिले, है ना, तो आप फटाफट से कर लीजिए। तो बस मैं यही बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नवीन प्रभु शिव कृष्ण शिव कृष्ण शिव कृष्ण हरे कृष्णा। कल हमारी कथा का विश्राम का दिन है, कल हमारी कथा कभी समाप्त नहीं होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कल कथा की विश्राम दिन। लेकिन कल आप लोग से एक प्रार्थना है, कल मैं रसिया जाऊंगा, इसलिए मेरे को यहाँ से 7:30-8 बजे यहाँ से निकलना है, कि मेरा फ्लाइट करीब 11 बजे ऐसे कुछ फ्लाइट है, कम से कम 3 घंटा पहले मेरे को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। इसलिए कल आप लोग से प्रार्थना है, कल जो कथा हम लोग कथा कल जैसे कुछ दिन पहले पास में भी कथा हो रही थी, हमने सुना वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा होती थी, है ना। आप लोग कथा में जाते होंगे, 2 से लेकर 5 बजे तक कथा होती थी, इसलिए कल आप लोग 2 बजे आ सकते हैं, आ जाएंगे आप लोग 2 बजे कथा आश्रम में आ सकते हो। कौन कौन आ सकते हो, हाथ उठाओ। तो जो कल कल कथा की विशेष महत्व है, कहते जो व्यक्ति 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाए, नहीं तो आधी कथा में आए, लास्ट में आए, लेकिन जो अंतिम कथा को जो सुन लेते हैं उनको 7 दिन कथा सुनने का फल उसको मिल जाती है, 7 दिन। इसलिए कल मैं एक सुंदर स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी है जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुना दिए। परीक्षित महाराज का माँ का नाम थी उत्तरा, उनको एक लौता बेटा परीक्षित, वो बड़ी दुखी थी, मेरे एक बेटा शरीर छोड़ने वाले और अंतिम समय में उनको तक्षक दंशन करेगा। उनकी माँ भी वहीं पर बैठ करके कथा सुन रही थी। जब कथा विश्राम हो गई, उनके माँ ने पूछा, बेटा ये सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक कितने सारी कथा सुनाए, मैं स्त्री जाति, मेरे पल्ले में तो कुछ पड़ा ही नहीं, इसलिए मेरे लायक तुम कुछ कथा सुना दो, थोड़ी सी समय में ऐसे कुछ सुनाओ, कम से कम मेरे को पता चले वो क्या बताना चाहते थे। तब उन्होंने थोड़ी समय में एक सुंदर कथा सुनाई जिसका नाम है बृहद भागवत अमृतम। हमारे एक सनातन गोस्वामी हुए, बड़ा सुंदर उन्होंने कथा सुनाई, इसलिए कल ये कथा को मैं सुनाऊंगा। वो कथा सुनने से बृहद भागवत अमृतम, भागवत बृहद है लेकिन उसका सार वो कथा है, अगर उसको कोई सुन लिया ना आपको 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगी। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब क्या, जो आप लोग मांगोगे। इसलिए पद्म पुराण में कहते हैं जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करता है, जो संतानहीन उसको संतानहीन उसको संतान प्रदान करती है, जो मोक्षगामी उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, जो भक्ति कामी उसके भक्ति प्रदान करती है। मतलब जो कुछ आप मांगोगे वो सारी इच्छा ही भागवत पूरी कर देती है, इसलिए उसको कल्प वृक्ष बताया। इसलिए कल का जो कथा सुन लेगा वो पूरे 7 दिन का कथा सुनने का फल मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आप लोग 2 बजे आ जाओ तो बहुत अच्छी रहेगी, फिर हम जितने दूर हो सकता है हम कोशिश करेंगे कथा सुनने के लिए, ठीक है। अभी प्रभु जी बोलो।
हाँ प्रभु जी आपको दो मिनट कुछ सुनाएगी नवीन प्रभु जी। हाँ देखो ये 5 तारीख को ये लोग बस लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन जाएंगे। आज हम लोग गोवर्धन की कथा सुनेंगे। ये गिरिराज और कोई नहीं, ये बांके बिहारी है। जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे ठाकुर जी उसको पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते रहते हैं। इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा करना है, क्या हमसे मांगेगा। जो उनको मांगो गिरिराज उनको सब कुछ इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब सारे इच्छाओं को ये गिरिराज जी पूरी करने वाले। जो लोग जाना चाहते हो, यहाँ पर गेट में और खड़ी रही है, वहाँ पर नाम आप लोग दे जाना, इनको पता चले कितने भक्त लोग जाएंगे उसी हिसाब से वो लोग बस करेंगे। कौन कौन खड़े रहेगा वहाँ पर, तो अकेला करेगा तो अकेला इधर देखेगा ना उधर का, तुम लोग कोई दायित्व लो जो वहाँ पर कोई कापी लेकर खड़े हो जाओ और उनका नाम लिख लेना कौन कौन जाना चाहते हैं, फिर तो उसी हिसाब से ये लोग बस कर लें। बोलो ओम ज्ञानतिमदन्तस्य ज्ञानञ्जन शलाक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमत भक्ति विदान नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुलक्षण औदर्य माधुर्य गुणेश उत्तम वर्ण वर्ण पुरुषम महान्तम नारायण तो सिद्धान नमामि। सब लोग मेरे पीछे एक बार बोलेंगे, सब लोग कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत, श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर श्रीवासादी, श्रीवासादी गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा। एक बार फिर सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। आप सब लोगों ने हाथ खड़े किए ना, इसका मतलब क्या है, जैसे स्कूल में कब पनिशमेंट मिलती है हाथ खड़े करने की, तो हाथ खड़े करने का भाव क्या है कि भैया हम संसार से थक चुके हैं, हे प्रभु आप मुझे, मैं आपकी शरण में आता हूँ, आप हमें स्वीकार कर ले। कभी कोई नदी में डूब रहा हो तो सबसे पहले क्या करता है, अपने हाथ खड़े करता है, भैया मेरे कोई भी देख ले मुझे बचा ले। तो हमारी स्थिति ऐसी है। और कभी कोई कहता है ना हैंडसअप, क्यों बिल्कुल आप हाथ खड़े कर दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने उनके शरण में आ गए। तो हम ये शरणागति भगवान के प्रति करनी चाहिए। आज का दिन क्या है, 31 दिसंबर तो क्या जा रहा है, एक साल जा रहा है और आने वाला नया साल। तो हमें संकल्प करना है कि आने वाले साल हमारा हर दिन खुश हो, आबाद हो। और वो कैसे होगा, सड़कों पे देखो लोग जा रहे हैं क्लब में, पार्टी में, फंक्शन में, है नाचना कूदना, क्योंकि नया साल बनाने के लिए, नया साल के स्वागत के लिए। और हम नया साल का स्वागत कैसे कर रहे हैं, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। आप सब लोग इतनी ठंड में आए तो सचमुच आप लोग बड़े बहुत ही अच्छे हैं कि जो अपने समय को आपने भगवान के चरणों में लगाना श्रेयकर समझा। और हमारे जो गुरुजी हैं अपना समय, इनको बहुत डिमांड है, आप यकीन मानिए जगह जगह। और इस कथा के बाद वो विदेश जाएंगे, और कहां जाएंगे, जहां -20 डिग्री टेम्परेचर रशिया में, पूरे वर्ल्ड में इनको कॉल आती है कि यहां से आ जाओ महाराज, यहां कथा करो, यहां कथा करो। देखिए उन्होंने अपना समय निकाला, एक बार आप खुल के दिल से तालियां बता दीजिए इनके लिए। तो चाहते हैं वो बार बार आए, चाहते हैं तो फिर 12 तालियां बताइए। अगर वो बार बार आए तो आपको ना खुद देखो, कुआं प्यासे के पास तो प्यासा, कुएं के पास तो आदमी जाता ही है चल के, है ना, लेकिन यहाँ कुआं प्यासे के पास आ रहा है जी, आ गया। तो ये कुआं प्यासे के पास आ रहा है, तो हमारा क्या प्रयास है कि हमारा भी कुछ होना चाहिए प्रयास। केवल एक तरफ से ताली नहीं बजती, दो तरफ से ताली बजती है। अगर हमें जो है, अगर उनकी कृपा चाहिए तो हमें उनके प्रति कुछ भाव भी दिखाना पड़ेगा कि वो बार बार आए। आज सच बताए ना, विकासपुरी का विकास अभी हुआ है, सही बताए तो, है ना। तो विकासपुरी में अगर ये कुछ पहली बार कभी ऐसा हुआ कि इस तरह से इतनी मधुर कथाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, ऐसी चीजें मिल रही हैं जो कभी हमने सुनी नहीं, और वो भी ऐसे शुद्ध संत के संग में। कहते हैं, पता बोलते हैं, गुरु बहव संति शिष्य वित अपहार का
दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का कि ऐसे ही गुरु तो बहुत मिल जाएंगे शिष्य का धन लूटने के लिए, कहेंगे तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ये मिल जाएगा, वो ये चाहिए वो मिल जाएगा, तो गुरु क्या वो देने आया है? अरे उन्होंने तो संसार छोड़ दिया, वो उससे ऊंची चीज देने के लिए आए हैं। उससे ऊंची चीज क्या है? उनकी प्रिय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम, जिसके बारे में अभी ज्ञात भी नहीं है हमें, वो देने के लिए आए हैं। हम संसार में सुख चाहते हैं तो संसार का कैसा सुख चाहते हैं? पति का सुख, पत्नी का सुख, प्रिय का, जितने भी प्रिय का सुख, इसका, बेटी की नौकरी, बच्चे का, ये वह संसार संसार संसार। अरे इससे ऊपर भी तो उठ के सोचो, इससे ऊपर भी तो उठ के सोचो कि केवल यही है। जैसे वो था ना कुएं का मेंढक, एक बड़े कुएं का, समुन्द्र का जो है मेंढक कुएं के पास गया तो कुएं के मेंढक से बोलता है, आ तुझे समुन्द्र में लेके चले। कहते भैया समुन्द्र में मैं ये क्यों लेके जा रहे हो? कहते समुन्द्र में ना बहुत पानी है। कहते समुन्द्र में कितना पानी है? इससे दुगना होगा। कहते नहीं नहीं दुगना नहीं, बहुत ज्यादा पानी है। कहते कितना पानी है कुएं से? कहते चार गुना। कहते नहीं नहीं बहुत पानी है। कितना? दस गुना। नहीं नहीं बहुत पानी है। कितना पानी है? हजार गुना, दो हजार गुना, दस हजार गुना, बीस हजार गुना। अरे वो सारी तुलना किससे कर रहा है? कुएं के पानी से। लेकिन उसे पता नहीं समुद्र का कितना है। तो हम संसार के थोड़े बहुत सुखों को सोचते हैं, इतना सुख, लेकिन भगवान के प्रेम का सुख, भगवान की सेवा का सुख, भगवान के नाम का सुख, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ, ये सारे, ये जो हमारी कथा का जो प्रयास है, वो हमारे की संसार की आसक्तियां हटा करके भगवत प्रेम में लगाना, ये महाराज जी की ये कृपा का परिणाम है। जो अगर हमारे छीटा बूटा भी अगर आ गया ना, तो हमें कृपा, हमें उनकी कृपा माननी चाहिए सारी कुछ। और ये कृपा जो है ना, उसके लिए हमें समझना चाहिए हमारा कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है। इसलिए बोलते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला और सब ग्रंथों ने इसकी गान किया। और वही तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, क्षितिजन पावा गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। शरीर अदम, लेकिन चीज क्या मिली? सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या मिली? भगवत नाम, भगवत प्रेम, भगवत सेवा। ये सब चीजें देने के लिए महाराज आया है। देखो गुरु कौन होता है? जैसे मैंने बताया, गुरु वो जो है जो भगवान में लगा रहता है। जैसे एक गुरु है, एक गुरु के पास एक शिष्य गए और कहते महाराज मेरा बेटा बड़ा गुड़ खाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ खाता है? कहते महाराज ये बहुत खाता है, इसको थोड़ा छुड़वा दो। कहते एक काम करना, एक हफ्ते के बाद आना, मैं उसको गुड़ छुड़वा दूंगा। एक हफ्ते के बाद लेकर आई उसकी माँ। कहते हैं आई एक हफ्ते के बाद, तो कहती है बेटा गुरुजी बोलते हैं उसको, बच्चे गुड़ मत खाना। वो चला गया। तो वो उसकी माँ ने कहा, बेटा गुरुजी आप एक बार बताइए, ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, उस दिन भी बोल सकते थे। तो कहते हैं कि मैं उस दिन बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं गुड़ खाता था। आज मैंने गुड़ छोड़ा हफ्ते के बाद, तब जाकर के मैंने इसको बोलने का अधिकारी बना। तो गुरु कौन होता है? जो जो खुद आचरण करता है। ऐसे बहुत होते हैं संसार की आसक्तियां छुड़ा रहे होंगे, लेकिन खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होंगे। तो ये क्या है? तो इसे बोलते हैं आचरणोती है शास्त्रमाचार्य स्थापित स्वयं आचार्य मीति कीर्ति। तो मतलब गुरु वही जो आचरण करे और संसार को उसे दूर करा करके उसकी सेवा में लगाए। तो हमारा क्या है कि हमारा देखो दो जगत है। एक ये जगत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, एक जगत है भगवान का संसार। इस संसार में केवल दुख, जैसे दीदी ने बताया कि संसार में क्या है, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, और तरह तरह के ठंड। अभी कितनी ठंड चल रही है, तो ठंड में बंदे आदमी कड़क रहे हैं अच्छी तरह से। ठंड है, गर्मी है, भूचाल है, आंधी है, तूफान, ये सब के सब दुख इस संसार में है। और वो संसार क्या है? केवल आनंद में। इस संसार में क्या नियम है? इसने मेरे लिए क्या किया, इस तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस संसार में एक ही नियम चलता है कि कैसे तो मैं भगवान की सेवा करूं। तो हमारी जो ये भक्ति रूपी यात्रा, वो क्या है? इस संसार से में उस संसार तक पहुंचने की यात्रा है। और कैसे कराएंगे? वो गुरु ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। स्वयं भगवान ने इस अपने जीवन में आए और उन्होंने आचरण करके दिखाया। गुरु की शरणों में गए, गुरु के स्वयं कृष्ण भगवान गए, गए या नहीं गए बताइए। ध्रुव जी को कौन कराया? गुरु को मिले, गुरु जी को गुरु मिले तब उनको भगवान मिले। प्रहलाद जी को पहले
गुरु मिले, उसके बाद भगवान मिले। कौन है? नारद मिले ना, उनको तो पेट से ही उनको गुरु मिल गए थे। ध्रुव जी को तो गुरु मिले थे। ऐसे ही जितने भी हैं, तुकाराम, नामदेव, विठल नाथ, मीराबाई, जिसको ले लीजिए, जिसने भी अपने इस जगत में अपना कल्याण करा, उसको गुरु के नाम से, गुरु से नाम लिया। इसलिए मीराबाई जी कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। कि मुझे जो है ना, किसने दिए नाम का रतन? किसने दिया? वस्तु अमोलक, ये अमोल धन है। और किसने दिया? गुरु ने दिया, और कृपा से उन्होंने, और दिन दिन उसकी बढ़ती बढ़ती गई है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी, ऐसे कि हमारे, मेरे अपने पर्सनल जीवन में आज से 15 साल पहले गुरुदेव का आया आगमन हुआ, और मुझे अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लगा। कि मैंने जब इसको लिया तो सचमुच बताइए तो जीवन में अब ऐसा लगता है कि रोज मंदिर या कथा, कीर्तन, आरती, ये सब कुछ अच्छा लगता है। और जो बुरी बुरी आदतें मेरे को थी, वो धीरे धीरे करके चलती चली गई। तो ऐसे इस, हमने देखो कई जगह पोस्टर लगाए हैं नाम के ऊपर, हरि नाम के ऊपर। आप एक बार जरूर पढ़िएगा इसको, अच्छी तरह से पढ़िएगा कि नाम में, और जितना लिखा ये भी कमी है। अगर आप कह देना कि नाम की महिमा को कोई गान कर सकता है, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शास्त्र में कहा कि अगर हम एक बार संकल्प ले लें कि गुरु के से लेकर के हम नाम करेंगे, तो उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? थाली लगा लेते हैं कि ये बंदा जो है ना, या जो भी है, ये भगवान के धाम जरूर जाएगा है? तो ये हमारा जो है संकल्प मात्र करने से भगवान के पास पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। यमदूत तक अपने ना, यमराज जी अपने यमदूतों से कहते हैं कि इसने नाम करने का संकल्प लिया है, अब ये मेरे पास नहीं आ सकता। अजामिल ने तो भगवान के, उसका नाम नहीं लिया था, अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने बेटे का नाम लिया था, उससे उसका कल्याण हो गया। तो सचमुच जी, आप अगर श्रद्धा से, प्रेम से अगर नाम करेंगे, तो हमारा क्या क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे जीवन में क्या चीजें करनी है, 2-3 चीजें हम जीवन में उतार लें। भक्ति कोई दुर्लभ नहीं है। एक ने पूछा कि भक्ति कितनी है, कहते रब्बा नु की पाना एथ्यो पुट्टे उत्थे लगाना। क्या मतलब है इसका? कि हमारी भक्ति इतनी दुर्लभ नहीं है, यहां से छोड़ के मां लगानी है। अगर हम खाना खाते हैं, क्या करना है? बस सिंपल सा है कि घर में भोग लगा के खाना खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा के, तुलसी पत्ता डाल के, बिना प्याज लहसुन के। अगर ये समस्या लगती है ना प्याज लहसुन, तो सोच लीजिए कि डॉक्टर मना कर देगा कि जो तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी है तो आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। लेकिन अगर गुरु जी ने मना किया या भगवान ने मना किया, वो नहीं, भगवान हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु इंपॉर्टेंट है, मतलब डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे जो अपनी आसक्तियां, हमारा वो उसमें बची हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम जीवन में 2-3 चीजें धारण कर लें, तो समझ लीजिए भगवान बड़े सुलभ है। गीता में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रामो नास्तो अस्ति पत्ति वायु न विदते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायतो महतो व्याप। कि अगर आप जीवन में भगवान को भोग लगा के खाना खाएं, सदगुरु से हरि नाम ले लें, तो समझ लीजिए। क्योंकि ये भगवान के, भगवान एक जगह शास्त्र में लिखा है, साक्षात हरि द्वयं समस्त शास्त्रे, कि ये साक्षात हरि के समान है। और एक जगह लिखा है, प्रथम पहले तो गुरु की पूजा कर, प्रथम तो गुरु पूज्यम। तो ऐसे करके अगर हम उनसे हरि नाम लें, थोड़ा सा जाप माला करें, भगवान को भोग लगाएं, एकादशी का फास्ट रखें, तो समझ लीजिए हमारे लिए भगवान कोई दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। ऐसा करते करते स्वयं हमें अपने जीवन में उतार लेंगे। तो एक छोटा सा जैसे एग्जांपल है कि जैसे पीपल का वृक्ष है और बरगद का वृक्ष है, ये अपने बीच से नहीं उगते। जब एक चिड़िया खाना चिड़िया लेती है और उसके बाद जब उसको छोड़ती है, तो उसको छोड़ने के बाद कहीं पर भी देखो पीपल का वृक्ष या किसी वहां भी उग जाता है, किसी छत में भी उग जाता है या किसी पत्थर में भी उग जाता है। तो उसके बाद जब वो छोड़ती है, तो वहां से ये पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष उग जाता है। कहने का भाव क्या है कि नाम हम करें, लेकिन गुरु के मुख से लेकर के करने से उसका असर कई गुना ज्यादा हो जाता है, कई गुना ज्यादा। जैसे एक बंदूक की गोली, ऐसे मारो तो असर नहीं करेगी, लेकिन बंदूक पे रख के करोगे तो सीधा आदमी को मार देगी जान से। तो ऐसे ही हमें कुछ नहीं करना, भगवान गुरु से माला लेकर के माला जाप करें, और क्या करें, भगवान का नाम जाप करें, एकादशी का फास्ट रखें, भगवान को भोग लगाएं, और ये इतना छोटे छोटे साधनों से, और भक्तों का संग करें, और प्रयास करें कि हमारे यहाँ जैसे KG1 में जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है, ये चलते रहे, हरिनाम पालकी यात्रा चलती रहे, और
हमारा जो एकादशी का जी किसी घर में प्रोग्राम हो, अगर इच्छा हो तो ऐसे करके हम इस सत्संग को और बढ़ाएं। इसी के बाद में अपने वचनों को विराम देता हूँ। वांछा कर चुके हैं कृपा सिंह जी की, तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। हाँ देखो ये नवीन प्रभु, आप इनको जानते हो सब? कौन कौन आप इनको जानते हो? हाँ, इसने इसने यहाँ पर ये दोला निकाला है। घर घर में भक्तों को ले जाते हैं, घर घर में ठाकुर जी को घर घर में ले जाते हैं, लेकर के घर घर में ठाकुर का नाम कीर्तन करवाते हैं। इसकी अथाह प्रयास से देखो, ये पहले मॉडलिंग करता था, हैं, पहले अच्छे काम भी किया उसने, लेकिन उसको पत्नी भी, वो भी डॉक्टर है, लेकिन उनने सारे काम धंधा को छोड़ करके इन्होंने भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन को दे दिया। बोले हम तो भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन को देंगे, दूसरों को कल्याण हो, घर घर में शांति सुख हो, इसलिए इसी चेष्टा से उसने ये सब काम किया है। इसलिए ये चाहते हैं, जैसे ये ठाकुर जी को कब कब ले जाते हो? संडे को। ये संडे संडे को जो लोग घर में बुलाते हैं, हम चाहते हैं ठाकुर जी हमारे घर में आए, घर में भगवान का कीर्तन हो, ये कोशिश करते हैं हर संडे को कहीं ना कहीं ले जाने के लिए। अगर आप लोग कोई चाहते हो हमारे घर में ठाकुर आए, कोई खर्चा नहीं है, है कोई खर्चा नहीं, हमारे घर में आए ठाकुर जी, किस घर में आए, बड़े भाग्य से घर में कोई ठाकुर जी आते हैं, घर में थोड़ा हरि कीर्तन करते हैं, घर में थोड़ा सत्संग करते हैं। जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन हो वो घर नहीं, शास्त्र कहते हैं वही वृंदावन धाम। कितना मंगल भवन मंगल, घर में कीर्तन होगा तो घर का जितने दुख कष्ट आपकी दूर हो जाएगी, भगवान का कीर्तन से, ठाकुर आने से घर में शांति सुख आएगी। इसलिए इधर सामने आ जाओ। इसलिए इसने सब कुछ छोड़ करके उन्होंने भगवत प्रचार में अपना जीवन को लगा दिया। इसलिए आप इनको तो आशीर्वाद दो सबके साथ, जैसे ये काम को ये कर सके। ये चैतन्य महाप्रभु का यही भविष्यवाणी था, घर घर में ठाकुर का नाम गूंज उठे, घर घर भगवान का धाम हो जाए। इसलिए इनके परिवार और इनको साथ में सुबह कृष्ण प्रभु यहाँ पर कुछ भक्त लोग मिलकर कर रहे हैं, मैं भी ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, इनको खूब ठाकुर जी शक्ति दे और खूब भक्ति दे और खूब इनको ऊपर में ठाकुर का कृपा वर्षण करो। अभी इसके बाद में हम लोगों ने गिरिराज की कथा सुनेंगे, सबके सब प्रसाद लेकर के जाना। और गिरिराज यहाँ पर बड़े सुंदर गिरिराज बनाए, आप लोग जरूर इसको परिक्रमा करना, क्योंकि गिरिराज की परिक्रमा करने से भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं, ठाकुर जी उसको पीछे पीछे ठाकुर जी भी चलते हैं। इसलिए बड़े सुंदर इन लोगों ने गिरिराज बनाए। हाँ बोलो थोड़ी सी। नमो विष्णु पादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्रीमती भक्ति वेदान नारायण गोस्वामी के नाम में श्री कृष्ण लीला कथने सुदुक्षम उदारे माधुर्य गणेश युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महांतम नारायण तुम शीर्षा नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हाँ देखो, तुमने प्रार्थना की, मैं बताया ना गिरिराज को एक बार परिक्रमा करना, लेकिन वो कह रहे जो गिरिराज बनाया पूरा चेयर को खड़े करके, उन्होंने चेयर को खड़े कर करके बनाया, अगर परिक्रमा करेंगे तो फिर वो टूट जाएगा, फिर गिर जाएगी। इसलिए आप लोग सबके सब गिरिराज को प्रणाम कर लेना, ठीक है? सब सब गिरिराज को प्रणाम कर लेना। अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से देखिए, भगवान का एक नाम ना, कहते हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करण प्रकाश। एक कृष्ण नाम क्या करता है, हमारे सारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म करने की शक्ति रखता है। इतना ही नहीं, हमें भगवान के पास ले जाके उनकी सेवा में लगाता है। तो ऐसी है इस नाम की महिमा जो महाराज जी पिछले 6 दिनों से सुनाने का आपको प्रयास, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस कृष्ण नाम को आप जोर से लीजिएगा, KG2 वालों को पता चले, इधर GG1 वालों को पता चले, उधर एम ब्लॉक, उधर महावीर नगर जाने चाहिए दूर तक। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। और एक बार, 3 बार बोल, अभी आवाज नहीं आई आपकी जोर से। अब आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। अब आप सुनिए,
आप पहले बोलेंगे मैं आपके पीछे बोलूंगा, जोर से बोलेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला हरि नाम संकीर्तन की जय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी नित्यलीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन पूजा व भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दिनों छह दिनों से अपना कीर्ति चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे कृष्णा वैष्णवी आप सबके जीवन वासियों को मेरा दंडवत प्रणाम। देखिए आप बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। श्रीमद् भागवत में आपने ऐसी ऐसी कथाएं सुनी है, अगर उसका किसी एक चरित्र का भी अपने जीवन में पालन कर लें तो क्या होगा, आपको संसार में जो हम दुखी है ना, कभी संसार में दुख का आस्वादन बिल्कुल हल्का सा भी ना उसका छीटा वोटा भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि भागवत क्या करती है, भागवत हमारे हृदय के जितने भी कलमश है सबका नाश करती है। लेकिन सुननी कैसे चाहिए, सुननी चाहिए कि कहते हैं ना सुन छड़िया, सुन के छोड़ना नहीं है, सुन के एक यहाँ से सुन के यहाँ से निकलने नहीं देना, यहाँ से सुन के हृदय में जानी चाहिए। सुनना उसको बोलते हैं हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बोलते थे कि जिसको सुना उसका पालन किया उसको बोलेंगे सुनना, नहीं तो सुन तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखिए जो है ना कथा ये मनोरंजन की बात नहीं है, यह है आत्मरंजन की बात। जैसे लोग बोल रहे थे हमारी भाभी और भी लोग बोल रहे थे कि जो कथा है ना ये आत्मरंजन के लिए नहीं, हम आत्मा हैं हम शरीर नहीं है, तो जो हम लोग एंटरटेन करते हैं 31 दिसंबर जैसे आज तो सब लोग घूमने गए होंगे, बहुत सारी दुनिया घूम रही है ट्रैफिक की ट्रैफिक है रोड पे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, भागवत हमें क्या सिखाती है, आत्मा की डाइट क्या है, आत्मा को हमें क्या देना चाहिए। क्योंकि देखिए कहते हैं लब्धवा सुदुर्लभम इदम भव संभवन्ते, कहते हैं जो मनुष्य शरीर है बहुत मुश्किल से मिलता है, जैसा कि इन्होंने बताया 84 लाख योनियों के बाद मिलता है 84 लाख। सोचिए कभी हम आज ठंड है तो हम हीटर के पास बैठे हैं, हमने कैप अपने सर पे, हम ग्लव्स पहन लेते हैं, ठंड है हमें हमारे हेडेक हो रहा है, हम केमिस्ट के पास डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन करवाना है कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हमारे पास हर चीज का बुद्धि भगवान ने दिया उसको यूज करके हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सोचिए जो इस मनुष्य शरीर में तो पहुंच पाएंगे वहां पे, लेकिन अगर हमारे कर्म अगले जन्म में मनुष्य को जैसे जैसे होने चाहिए कि मनुष्य शरीर मिले और वैसे नहीं हुए, अगर हम दूसरी योनियों में चले गए तो क्या हमें हमारा क्या होगा, उस समय कितना नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं समय रहते ही व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। अगर यही नहीं विचार किया कि मुझे जाना कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसका पुत्र हूँ, किसकी संतान हूँ, जैसे महाराज जी ने बताया था ना हम किसकी संतान है, हम भगवान की संतान है। जैसे भगवद्गीता में बोलते हैं ममे वांछो जीव लोको जीव भूतो सनातना, ये अर्जुन ये जीव जो है ना भगवान कह रहे हैं गीता में ये मेरा अंश है, मुझे भूलने के कारण इस संसार में भटक रहा है, जब तक ये मेरी शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। जितने भी लोग संसार में क्या करते हैं, कोई देवी देवता की पूजा करता है, कोई माता की करता है, कोई किसी की करता है। आप ये देखिए जिसकी पूजा आप कर रहे हो देवी देवताओं की, क्या वो आगे किसकी पूजा कर रहे हैं, सारे के सारे कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले क्या कहते हैं, कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण पर कौन है वह, और कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह सत्य चित और आनंद की ये मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण है। देखिए इसमें जो चीजें समझने वाली है ना कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ऐसे वाले भगवान है जो देवी देवता है ना, ये तो हमें एक ब्रह्मांड का पता है जिसमें हम रहते हैं, ऐसे असंख्य भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, रोम रोम से। और ये वाला जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है ना वो सिर्फ चार मुंह वाले हैं, और बाकी जितने ब्रह्मांड दूसरे वाले
उनके जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत ही बड़े बड़े, किन्हीं के 8 मुंह, किन्हीं के 16, 32, 64, ऐसे कितने हजारों लाखों मुंह वाले ब्रह्मा जी हैं। जितने ज्यादा, जितने बड़े ब्रह्मा जी के मुंह, उतना बड़ा ब्रह्मांड। तो देखिए वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और वो उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी भी कहते हैं एक स्थान पे, क्या कहते हैं कि जय विजय, जो जितने भी देवी देवता आते हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए, दिन प्रतिदिन, समय क्षण क्षण, मुकुट पे मुकुट, मुकुट पे मुकुट, धरती पे दंडवत प्रणाम करते 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 थक जाते हैं। कहते इतनी आवाज आती है कि सड़क पे क्या ट्रैफिक की हॉर्न की आवाज आती है, तो भगवान को इतनी दंडवती लगती है। कहते हैं हमारा शरीर किसका बना, कफ पीठ टट्टी पेशाब की थैली है ये, हमारे गुरुवर हमें समझाते हैं। और इसको हम इसी के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, हम ये नहीं सोचते मेरा अगला जन्म होगा क्या होगा। कहते हैं इस टट्टी पेशाब की थैली से ना, 10 पैसे के शरीर से हमें क्या मिल सकता है, जैसे प्रभु जी ने बताया था, हमें क्या मिल सकता है, और सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण की सेवा में हम जा सकते हैं, शरीर 10 पैसे का, और हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, खरबों अरबों, वो भी कुछ नहीं, क्योंकि खरबों अरबों भी शरीर के साथ ही रह जाएगा। हमें सोचना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। कहते हैं किस समय बुद्धिमान बनना चाहिए, फिर उस श्लोक की तीसरी लाइन में बोलते हैं तूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत। कहते हैं तुरंत जैसे ही पता चले कि कृष्ण की अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब भगवान कृष्ण के अलावा अन्य किसी और की नहीं, इसमें कहते हैं कि किसी और की नहीं, फिर कहते हैं तूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत। कहते हैं मृत्यु जन 24 घंटे हमारे सर पे खड़ी है, और हम किसी व्यक्ति को पता हो कि अपना कि मैं आज मरने वाला हूं, और उसको बोल दिया जाए 2 लाख रुपए दे के जाओ भी, पैसे भी कमाओ, जाओ शॉपिंग कराओ, क्या वो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, जा पाएगा, आप लगते जा सकते हैं कुछ, तो देखिए वो नहीं जा पाएगा, क्यों, मालूम मैं मरने वाला हूं। तो देखिए ऐसे ही उसको तो पता है, उसको ज्ञान है इस चीज का कि वो नहीं जा, वो मरने वाला है इसलिए नहीं जाएगा, लेकिन क्या हमें पता है 24 घंटे मृत्यु किसी की भी आ सकती है। जो व्यक्ति भी मरते हैं वो सुबह उठते हैं, क्या उनको पता होता है कि मेरी मृत्यु आ जाएगी, नहीं नहीं पता होता। तो देखिए किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, हम इतनी सांसों को, इतनी सांसों को हम क्या कर रहे हैं, टीवी देखने में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, फ्रेंड से, मूवी थिएटर, यहाँ डिस्को पब, सब जगह आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भूल चुके हैं हमारे सर पे मृत्यु बैठी है, भूल चुके हैं सब कुछ, हमारा मंगल कैसे होगा, कि मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा, या दोबारा किसी योनि में जाना पड़ेगा, वहां पे हम स्वेटर कंबल नहीं पहन सकेंगे, ग्लव्स नहीं ले सकेंगे, कुछ नहीं होगा वहां पे। तो इसीलिए समय रहते बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहते हैं तूर्णम यतेत न पतेत, जिस क्षण पता चले कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से हमारा मंगल होगा एकमात्र, और दूसरा कोई हमें नहीं बचा सकता, ना कोई देवी देवता बचा सकता है, ना कोई असुर, ना कोई नहीं, ना माता पिता, माता पिता तो हम सबके चले ही जाते हैं हमारे सामने, है ना, किसी के बच्चे तो किसी के माता, सब जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकते हैं मेरे पिता नहीं गए, सब चले जाते हैं। तो एकमात्र जो उपाय है कि सदगुरु की शरण ग्रहण करके, ये महाराज जी आए हैं ना, दिखने में इतने सरल हैं, और अपने से भी ऐसी सरल है, इनमें कोई छल कपट, 24 घंटे भजन में है, ये 50 साल से अपना जीवन भजन में दे रखा है। देखिए ऐसे कहते हैं हरिद्वार जाते हैं हम लोग, आप में से हरिद्वार कितने लोग गए हैं, आप खड़ा करेंगे प्लीज, देखिए कितने लोग गए हैं अभी, देखो ठंड में आपको कहा जाए हरिद्वार में जाके डुबकी लगाओ, जाओगे, अभी बहुत कम लोग होंगे जो रे रही माता जी हैं अभी इस एज में भी, माता जी की जय। तो देखिए हरिद्वार जाने से क्या फल मिलता है, हमारे पाप खत्म होते हैं। कहते हैं ऐसे संतों के दर्शन जाने, दर्शन करने मात्र से ही हमारे, हमें ऐसे संतों के दर्शन से हमारे जो है ना पाप खत्म हो जाते हैं, हमें उसी फल की प्राप्ति होती है। देखिए ऐसी है संतों की महिमा, ऐसे संतों की, ये साधारण मत समझिए, ये हमारे जन्मों जन्मों के, जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य उदित हुए हैं कि आपके इस KG1 विकासपुरी में ऐसे महाराज जी, ऐसे संत महात्मा का आगमन हुआ है। कहते हैं ना कि जो गुरु होता है ना, गुरु गुरु ढूंढता है शिष्य को, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, हमारे शास्त्र बताते हैं। तो देखिए ये भागवत होने वाली थी हरिनगर में, कभी जनकपुरी, कभी महावीर नगर, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, इसको विकासपुरी में करवाओ जहाँ पे तुम रहते हो। तो देखिए महाराज जी कृपा करने के लिए आप पे कैसे खुद चुना इस ब्लॉक को, और आप सब लोग देखिए कितने ही सोसाइटी में लोग रहते हैं, हम हर घर में गए बुलाने के लिए, हो सकते हैं कोई गलती से कोई घर लॉक हो, वो वहाँ पे हम ना जा पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम हर घर में गए, तो हमने सोचा सभी लोग आए, तो देखिए उसमें से भी अगर एक एक घर था, एक एक घर में से एक व्यक्ति भी था, तो 400-500 लोग हो जाते, हम
KG2 में भागवत वर्ती वहां पे अनाउंस किया, एम ब्लॉक में गए तो हजारों लोग होने चाहिए थे, तो मुझे लग रहा था टेंट छोटा पड़ेगा, लोग बाहर खड़े होकर लगेंगे, हमें वो लगानी पड़ेगी LCD, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कितना सुदुर्लभ है ये साधु संघ, ऐसी हरि कथा। तो देखिए अपने जीवन को वेस्ट मत कीजिए, ऐसे संतों का दर्शन आज मिल रहा है, कल मरते समय अगर हमने गुरु धारण ना किया हो ना, हमें कोई नहीं बचा पाएगा मृत्यु के मुंह से, और अगले जन्म में क्या होगा। लेकिन सदगुरु तो महाराज जी बताते ना, एक फालतू कुत्ता होता है फालतू, दोनों में क्या फर्क होता है, कहते हैं एक ने कंठी माला पहनी होती है वो होता है फालतू ठाकुर जी का, लेकिन जो फालतू होता है उसने कंठी माला नहीं पहनी होती। कहते हैं फालतू को कोई कुछ कहे, फालतू को छोड़ता नहीं है, सॉरी फालतू को कोई बोलता नहीं है, फालतू को छोड़ते नहीं है। तो कहते हैं इसीलिए जल्दी से ऐसे सदगुरु आपके कॉलोनी में आए हैं, इनको देखिए समझिए और इनसे हरिनाम लेने का प्रयास कीजिए, फिर पता नहीं कब क्षण मिले नहीं मिले। और दूसरी चीज है हरिनाम की, तो महाराज जी ने खूब महिमा सुनाई, ये दूसरी चीज आती है एकादशी का व्रत। एकादशी का जो व्रत है महीने में सिर्फ दो बार आता है, सिर्फ दो बार, उसमें आप ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं है, आप दो बार ही खाए, तीन बार ही खाए, चार बार ही खाए, प्रयास करें कि 12 बजे से पहले ना खाएं ना पिएं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सुबह उठते भी खा सकता है, मेन है व्रत रखना चाहिए। एक अच्छी के व्रत की ना कथा आती है छोटी सी, 5 मिनट की कथा सुना के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। ठीक से पकड़ा। एक कथा आती है रुक्मांगद महाराज जी की, उस कथा में बताते हैं कि एक बार ये रुक्मांगद नाम के राजा थे अयोध्या में, अयोध्या नगरी में एक समय, तो वो जो थे उनकी पत्नी थी, उनका एक पुत्र था धर्मांगद, तो वो बहुत ही काछी का व्रत का पालन करते थे बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने अपने पूरे राज्य में, पूरे नगरी में, सब जगह घोषणा करवा दी कि मेरी नगरी में जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रखेगा उसको हम क्या करेंगे, मृत्यु दंड देंगे, उनको सजा देंगे कठोर से कठोर। तो कुछ कह लो डर की वजह से और कुछ सत्संग के प्रभाव से सभी लोग एकादशी रखते थे। एकादशी रखते रखते काफी समय हो गया, तो एक कहते हैं ना जैसे महाराज जी बताते हैं 51 52, जैसे 51 वन मतलब कहते हैं 50 साल के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वन की ओर। वन कौन सा, यानी कि किसी और जंगल में चले जाओ, हमारे पास में 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर क्या है वृंदावन, वहां चले जाओ, उसका सहारा लो संतों के अनुग्रह करते हुए, संतों के आश्रय ग्रहण करते हुए। तो वो क्या हुआ, जैसे ही 51 के हुए वो, उन्होंने क्या किया, रुक्मांगद राजा ने क्या किया, वो वन की ओर जाने लगे, वो और उनकी पत्नी, जब वो वन में गए भजन करने के लिए, तो पीछे से यमराज थे जो, वो कहते हैं वो बड़े चिंतित हो गए कि सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, काछी का व्रत रख रहे हैं, कोई भी मेरी जो यमपुरी है वो खाली हो गई है, तो हमारा मेरी सेवा जो है लोगों को दंड देने की, मृत्यु दंड देने की, क्योंकि जो एकादशी रखता है ना वो यमपुरी नहीं जाता, यमलोक नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, वो भगवान के धाम में जाता है। कहते हैं यद गत्वा न निवद्यते तद धाम परमम, वहां पे जाने के बाद, भगवान के वहां जाने के बाद किसी को वापस नहीं आना पड़ता, कोई वहां पे दुख कष्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि यमराज जी ने बोला कि मेरी तो यमपुरी खाली हो जाएगी, तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको बोला ऐसे से समस्या बताई अपनी कि कोई आ नहीं रहा तो क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक पुत्री एक लड़की को जन्म दिया, उनका नाम था मोहिनी। जब वो मोहिनी थी जो, वो कहती ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि तुम उसको मोहित करके अपनी अपने वश में करो और इनसे विवाह करो, जिससे कि काछी का व्रत छोड़ दे करना। तो कहती ठीक है। तो वो जो गए थे रमणीक पर्वत में गए थे, तो जो मोहिनी थी उनके पीछे पीछे रमणीक पर्वत में जाने लगी। जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, जहां पे राजा भजन कर रहा वहां वहां पे जाने लगी। जाने के पश्चात उनको अपने हाव भाव से, अंगी भंगिमाओं से, अपने क्रियाओं से उनको ना लुभावने का प्रयास किया। और वो क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है हे सुंदरी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो दोनों आपस की रजामंदी से उनकी शादी हुई, लेकिन उसने बोला एक शर्त रखी, मैं शादी करने को तैयार हूँ लेकिन मैं जो बोलूंगी वो आपको करना पड़ेगा। वो बोलते हैं राजा रुक्मांगद ठीक है। जैसे ही एकादशी का व्रत आया, उसने बोला कि हे राजा, हे रुक्मांगद राजा, कि तुम ये वाला एकादशी का व्रत नहीं रखोगे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तो वो
बोले नहीं रानी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, आज तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है, आगे भी सब मानूंगा, लेकिन मैं एक अच्छी औरत जरूर करूंगा, यही मेरा इष्ट है। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा इस व्रत को, अगर तुम भी व्रत रखोगे तो तुम्हारी एक तो शर्त टूटती है जिसका तुमने प्रॉमिस किया था, और दूसरा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ऐसे मत करो, उनकी बात मान लो। उन्होंने कहा ठीक है, देखो आज की पत्नी और उस समय की पत्नी कैसी होती है। उन्होंने बोला ठीक है शादी कर लो, जब सॉरी एकाची का व्रत की बात थी, तो एकाची का व्रत जब उन्होंने रखा रखने पर भी उन्होंने कहा ठीक है मैं क्या करूं। उन्होंने बोला तुम ना अपने पुत्र की जो बलि, अपने पुत्र की गर्दन काट के मुझे दे दो, तो फिर टेंशन में अब क्या करें। उन्होंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र से डिस्कशन करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। तो जैसे ही वो नाइफ लेके काटने लगे अपने पुत्र की गर्दन, तो ठीक उसी क्षण भगवान विमान पर आए, तो उनके पूरे पुत्र परिवार को सबको ले लिया और अपने साथ ले गए। तो देखिए कैसी है उनकी एकाची की देवी के प्रति कैसी निष्ठा है। एकाची देवी जो है ना, एकाची तिथि बहुत कृपालु है, कहते हैं कृष्ण भक्ति है ये, कृष्ण को जन्म देने वाली है ये। जो व्यक्ति एकाची का व्रत नहीं रखेगा कभी वो सुखी नहीं रह सकता। एकाची का व्रत बहुत जरूरी है, बहुत सबको करना चाहिए, महीने में सिर्फ दो बार आती है। तो इसी यही बोलकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। बोले गिरिराज महाराज की। अरे जय, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा आप उतना ही फलते फूलते रहोगे, क्योंकि भगवान की जय देने से। हरे कृष्ण। अगर हम जैसे बस लेके जा रहे हैं गोवर्धन, इसका जो किराया है वो है 700 रुपए। अगर कोई भक्त पैसे नहीं दे सकता, जैसे मान लीजिए किसी की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, किसी को प्रॉब्लम है, तो हम उसको ऐसे बिना पैसे के भी लेके जाएंगे। आप प्लीज चलिएगा जरूर हमारे साथ। हरे कृष्णा। उसी में आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हरे कृष्णा। 5 तारीख को सुबह जाएंगे 5 बजे, 5:30 बजे 10 बजे तक आ जाएंगे, 10:30। हरे कृष्णा। बोला गिरिराज महाराज की जय। देखो गिरिराज की कथा सुन लो, कहते गिरिराज है कौन और ये गिरिराज आए कहाँ से। ये गर्ग संहिता में बताए, एक समय गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक सुंदर पर्वत हो, हर तरह का फल, हर तरह का फूल, जिसमें सुंदर गुफाएं हो, सुंदर जिसमें कुंज हो, सुंदर सरोवर हो, झरना हो, जहां पर एक साथ में 6 ऋतु बहता हुआ हो, सबसे सुंदर पृथ्वी का स्थान होनी चाहिए। तब राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज को प्रकट किया है, इसलिए बोले प्रकृत है मनसा जात। बोले राधा जी के हृदय से गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। एक दिन कृष्ण राधा रानी से बोले, देखो राधे, मैं ये गोलोक वृंदावन से ये मरते जगत जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगे। भागवत चुपचाप बैठो। बोले राधे तुम साथ में चलोगी। राधा रानी बोली मैं नहीं जाती हूँ। बोले क्यों। बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहती। कृष्ण बोले देखो राधे, ये जो गोलोक वृंदावन देख रहे हो, जब मैं ये मरते जगत में उतरूंगा, ये पूरा के पूरा गोलोक वृंदावन उतार दूंगा। मैं नहीं, मेरे साथ में मेरे सखा, मेरे पिता माता भाई ग्वाल बाल सब चलेंगे। तू अकेली नहीं, तेरे साथ में तेरे पिता माता सखियां, और ये गोलोक वृंदावन में नंदगांव बरसाना गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड जो कुछ देख रहे हो, पूरा के पूरा मैं गोलोक वृंदावन उतार दूंगा। तब राधा रानी बोल फिर मैं तो चलूंगा। इसलिए ये गिरिराज आए कहां से, बल्कि ये गोलोक वृंदावन से। कहते द्रोणाचल और पृथ्वी इनकी बेटा बन करके ये जन्म ग्रहण किए से मरते जगत में। जब गिरिराज जी मरते जगत में आए, स्वर्ग से देवता लोग पुष्पों की बौछार की। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। लेकिन ये जन्म हुए विंध्याचल पर्वत में। लेकिन अभी प्रश्न, ये वृंदावन में कैसे आ गए। इनकी दो कथा आती है। एक कथा आती है, जिस समय भगवान राम लंका विजय के लिए फूल बांध रहे थे, बोले बड़े से बड़े पत्थर लाओ, और हनुमान जी को बोले उसमें राम का नाम लिख करके, और नल नील स्पर्श करते ही
वो पानी में तैरता था, पत्थर तैरता था। हनुमान जी ने देखा बड़े से बड़े अगर कहीं पत्थर मिले, जल्दी जल्दी ले आओ, पुल बंध जाएगी, मैया सीता की मुक्ति मिलेगी, उद्धार होगी। उन्होंने भ्रमण करते करते जब उन्होंने विंध्याचल पर्वत में उधर पहुंचे, उन्होंने देखा विशाल गिरिराज गोवर्धन। कौन कौन गिरिराज गए हो, हाथ उठाओ। तो जिसको परिक्रमा करने के लिए 6-7 घंटा लगती है, कितना बड़ा गिरिराज गोवर्धन। उन्होंने हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। जब उठा करके आ रहे थे, अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन है, जब वहीं पर आए, इतने में पुल जो बंध रहे थे समाप्त हो गया। भगवान राम ने कहा देखो जहां से पर्वत पत्थर ला रहे हो बोल दो, जरूरत नहीं, पुल कंप्लीट हो गया। हनुमान जी गिरिराज को वहीं रख दिए, लेकिन गिरिराज तो साधारण है नहीं, वो रोने लग गए। बोले हे हनुमान जी, मेरे को इतने दूर से लाए हो, अगर और थोड़ी दूर ले जाते भगवान स्वयं मेरे ऊपर चल करके जाते, माता सीता की उद्धार होता, ठाकुर को सेवा मैं कर सकता था, मेरे को इतना दूर से लाए यहीं पर क्यों रख दिए। हनुमान जी बोले कोई चिंता नहीं, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, अभी तो तुम थोड़ी समय के लिए सेवा में लगता, उसी समय कृष्ण तुमको 7 दिन तक गिरिराज उठाएंगे, सारे ब्रजवासी नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, कृष्ण गोचारण करेंगे, वहीं पर रास रचाएंगे, बहुत सारे लीला ठाकुर जी करने वाले, कोई चिंता मत करो। कहते ये एक कथा। बोले दूसरी कथा आती है, एक समय पुलस्त नाम का एक ऋषि भ्रमण करते 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 जब उन्होंने पहुंचे विंध्याचल पर्वत में, वहां पर देखा गिरिराज गोवर्धन को बड़ा सुंदर मनोरम देख करके उनका लोभ हो गया। वो गए थे कहां से, काशी से। बोले काशी में कोई सुंदर स्थान नहीं जहां पर भक्त लोग बैठ करके वहां पर भजन साधन करे, वो तो एकदम मरुभूमि सूखा जैसे, अगर ये गिरिराज को किसी तरह से ले जाए भक्त लोग बैठ कर इसमें भजन कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उनको पिता माता द्रोण और धरा, बोले आपका बेटे को मैं काशी ले जाना चाहता हूँ, अगर कोई आपका घर में आए बोले आपका बेटा को दे दो, आप दे दोगे बेटे को। अभी वो तो बड़ी चिंता में पड़ेंगे, अगर मना करूं तो ये अभिशाप दे सकते थे। बोले भैया बेटे को ही पूछ लो जाएगा कि नहीं जाएगा, उसे ही पूछ लो। बोले गिरिराज तुमको मेरे साथ में जाना पड़ेगा। वो भी डर गए, मना कर दो तो अभिशाप दे देंगे। बोले 2 शर्त पर जा सकता हूँ, पहला शर्त है मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को उठा करके ले जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त है अगर बीच में अपवित्र होकर के मेरे को कहीं रख लिया ना, फिर से नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। पुलस्त ऋषि बड़े प्रतापी थे, पूरा गिरिराज को उन्होंने उठा लिया। उठा करके चलते चलते अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन, जब वहीं पर आए गिरिराज बांके बिहार जी से प्रार्थना किया, हे ठाकुर जी मैं तो गोलोक वृंदावन से आपकी सेवा के लिए मैं आया हूँ, ये मेरे को कहाँ काशी फांसी देने ले जा रहा है, क्योंकि जो काशी वो ब्रह्मवादियों का स्थान है, जो भगवान को निराकार निराकार बोलने वाले वो रसहीन है, ये ब्रज भूमि तो रस भूमि है, हे ठाकुर जी मेरे को अपना चरण में स्थान दो। इतने में ठाकुर जी माया जो माया को बुलाए, उनको इतनी तेजी से लघु संख्या लगी, वो रोक नहीं सके, भूल गए कि आप प्रतिज्ञा करके लाए थे, गिरिराज को वहीं पर रख लिए। जब लघु संख्या के लिए बैठे ना, लघु संख्या खत्म ही नहीं हुई, घंटे तक लघु संख्या में बैठे हुए। उसको बाद में जब उन्होंने गिरिराज को उठाने के लिए गए, गिरिराज और नहीं उठे। पहले आप क्या प्रतिज्ञा की थी, बीच में उतारना नहीं, अगर अपवित्र हो गया तो मेरे को स्पर्श नहीं करो, घंटे तक बैठे लघु संख्या में, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। पुलस्त अभिशाप दिए, बोले तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, पल पल में तुम खीण होते जाओगे, हैं सरिसा जैसे तुम खीण होते जाओगे। इसलिए गिरिराज को देखना वो टुकड़े टुकड़े और विशाल थे, बोले 64 मील लंबाई चौड़ा थी, वो धीरे 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 नीचे जा रहे हैं। इसलिए घोर कलयुग जब आएगा गिरिराज भी नहीं रहेंगे, गंगा भी नहीं रहेगी, जमुना भी नहीं रहेगी, बड़ा पाप कर्म होने वाले, मार मार काट काट शुरू हो जाएगी, जब धीरे धीरे ये कलयुग बनने वाले। इसलिए कहते भैया जितने जल्दी जल्दी पारो भगवान के भजन करो और ठाकुर के पास में चले जाओ, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं चत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम,
हे अर्जुन, अगर मेरी भक्ति करे कि तुम मेरे पास में आ जाओगे, जहां जानने से कभी फिर ये मरते जगत में मरणशील जगत में नहीं आओगे, जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, जहां पर कोई बूढ़ा नहीं, कोई बूढ़ी नहीं, नित्य परम आनंद परम शांति मेरे धाम को प्राप्त करोगे। इसलिए जितने जल्दी हो हमें भगवान की भक्ति करके संसार से हमें चले जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दी। गिरिराज ने कहा, देखो मैं तो कृष्ण सेवा के लिए रहना चाहता हूँ, अगर कृष्ण आने से पहले पल पल खीण हो गया, टुकड़े टुकड़े, फिर कृष्ण सेवा कैसे करूं? इसलिए मेरे को इतना वरदान दो, जब तक ठाकुर जी नहीं आते तब तक पूर्ण रहूं। ठाकुर जी लीला करके चले जाए फिर अभिशाप लागू हो। बोले तथास्तु। इसलिए ये दो कथा आती है, ये गिरिराज गोवर्धन उन्होंने कैसे वहां पर आई है। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, कृष्ण ने कहा, मैया ये रात भर इतने सुंदर सुंदर खाना क्यों बना रही हो? क्या कल मेरी जन्म तिथि? बोले नहीं। बोले ताऊ भैया का? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जा पिताजी को पूछ, पिता बताएंगे। जा कृष्ण जाकर के नंद बाबा की गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ ली। बोले बाबा बाबा, मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इतने सुंदर सुंदर क्यों पकवान बना रही है? कल क्या मेरी जन्म तिथि? बोले नहीं। बोले फिर? बोले बेटा हम इंद्र को पूजा करेंगे। बोले इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग का देवता है, क्योंकि इनकी अधीन में ये मेघ पर्जन्य, इंद्र आदेश देने पर उपयुक्त समय में बारिश होती है, बारिश होने से घास उगती है, गैया घास खा करके दूध देते है, हम ग्वाला है, गैया ही हमारी मूलधन है। देखो कृष्ण ने क्या युक्ति दी। बोले पिताजी ये बताओ, समुद्र क्या इंद्र को पूजा करता है? बोले नहीं। बोले वह बारिश ही होती कि नहीं? बोले होती है। बोले क्या वन जंगल सब इंद्र पूजा करते हैं? फिर वहां बारिश ही होती कि नहीं? बोले होती है। बोले पिताजी जीव का जो कर्म जो किया, कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए देखो पिताजी, ये सामने जो ये गिरिराज गोवर्धन देख रहे हो, ये मेघ कहाँ होती है? जहां पर ज्यादा पेड़ पौधा होता है वही मेघ को खींच करके लाती है, और मेघ ला करके गिरिराज में टकराता है, टकरा करके यहाँ पर श्री बारिश होती है। पिताजी हम लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं, ये गिरिराज की कृपा से कर रहे हैं। बाबा इसको पहाड़ मत समझो, ये ब्रज की देवता, ये प्रत्यक्ष देवता ब्रज की, इनकी कृपा से गैया यहीं पर घास खाते हैं, यहीं पर फल फूल पानी सब हमको गिरिराज गोवर्धन से मिलता है। इसलिए पिताजी ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, इनकी कृपा से ही धन दौलत पुत्र परिवार दुकान मकान। अब लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए हो? अब देखना कोई दूध की धार से परिक्रमा कर रहे हैं, कोई अभिषेक कर रहे हैं, कोई दंडवती प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों? संसार का ऐसे कोई वस्तु नहीं जो ये गिरिराज हमें नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनका नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता। इसलिए देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंधा हुआ, क्यों? जिनकी बेटी की शादी नहीं हुई, किसका बिजनेस नहीं चल रहा है, किसकी घर में दुख कष्ट है, गिरिराज से प्रार्थना करो, ये सर्व अभीष्ट प्रदाता। ऐसे कोई इच्छा नहीं जो गिरिराज पूरी नहीं कर सकते। आप देखोगे 12 महीना वहां अन्नकूट। बोले क्यों? बोले देश विदेश से आते हैं, गिरिराज से जो मांगते हैं गिरिराज जी सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। ऐसे तो कुछ कुछ लोग हर महीना में एक बार गिरिराज जाते हैं और गिरिराज परिक्रमा करके आते हैं। कुछ कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, कहते मैं तो हम हर सप्ताह में जाते हैं। मैंने कहा भैया क्यों जाते हो? बोले गिरिराज हमें सब कुछ दिया है, गिरिराज हमें सब कुछ दिया, जो मांगे गिरिराज जी हमें सारी इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी करे। इसलिए हम हर सप्ताह में एक बार दुकान बंद करके गिरिराज की परिक्रमा लगाने जाता हूँ। भैया इतने महिमा क्यों? कारण है विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी जी की पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा की? गिरिराज को। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की? बोले गिरिराज गोवर्धन को। ठाकुर स्वयं गिरिराज की परिक्रमा की, इसलिए महिमा। कृष्ण ने कहा पिताजी ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, ये प्रत्यक्ष देवता है। बोले पिताजी ये बताओ कब से आप ये इंद्र पूजा करते हुए आ रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले जब इंद्र को पूजा करते हो कभी खाते हुए कभी देखा? बोले नहीं लाला। बोले पिताजी जब आप गिरिराज को भोग लगाओगे,
प्रत्यक्ष देखोगे गिरिराज प्रकट होकर के आपका दिया हुआ वस्तु को ग्रहण करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से हम ठाकुर दर्शन मिलेगा? बोले हाँ। बोले भैया आप करे तो हमें गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, जाओ ब्रज मुद्रा ढिंडरा पिटवा दो, कल इंद्र पूजा नहीं, कल सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। आप लोग जयकार ठीक से नहीं दे रहे, कोई तो है कोई जय दे, अरे जोर से बोलो। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अभी ब्रज में ढिंडरा पिटवा दिए, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी करेंगे गिरिराज, और गिरिराज स्वयं दर्शन देंगे। अगर आपको कोई बोले भैया अमुक जगह पर ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देंगे, क्या करोगे? सारा दुनिया उमड़ेगा। बोले भैया तब तो गिरिराज की पूजा करेंगे, इसलिए वहां तो चार तरह का चावल बनाए, एक फीकी चावल, एक मीठी, एक नमकीन और एक मटर पनीर डाल करके। अब लोग कितने तरह का चावल लाए हो? कुछ लाएगी नहीं। दो तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी, एक सुहागिनी कढ़ी। सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़े डाल करके बनाते हैं, राड कढ़ी बगैर पकड़ो के जो कढ़ी बनती है। चूरमा दो तरह का बना, राजस्थान से कोई है कि नहीं यहाँ पर? कौन राजस्थान के है? दाल बाटे चूरमा वहां बनाए। चूरमा दो तरह का, एक हसना और एक है रोना। रोना मतलब जिसे घी टपकता है, हसना मतलब जिसको पतले में रख ले खिल जाए, हैं? इसको खिलना। और वहां पर तो जो पराठा, तो 10 तरह का पराठा बनवाए, मूली की, घिया की, आलू की, बथुआ की, तरह तरह का पराठा बनाए। 5 तरह का दाल, उसको नाम कहते अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या? अन्न मतलब है, अन्नकूट मतलब पर्वत, क्योंकि ब्रज में 365 गांव। अभी भी जाओगे तरली बरौली सोई ऊंचा गांव नीचा गांव नंदगांव बरसाना कोकिला बने जाबट, अभी भी ब्रज में 365 गांव। इतना वहां से खाना लाए, पहाड़ पहाड़ रोटी के पहाड़, मालपुआ की पहाड़, अन्न की पहाड़, पहाड़ पूरा पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा पुरुष सूक्त मंत्र से उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक करके जितने वहां खाने लाए थे सभी के ऊपर में तुलसी पत्ता देकर आसन पात्र आचमन देकर के गिरिराज का आह्वान किया, हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके इसको ग्रहण करो। जब कृष्ण बोले इतने में गिरिराज स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन दिए, सबके सब देख रहे थे, गिरिराज इस आकाश को स्पर्श कर रहे थे। गिरिराज बोले मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूं। देखो गिरिराज की आशीर्वाद दिए, बोले आज ये अन्नकूट का दिन, एक अन्न का दाना जो मेरे सेवा में लगा दी, मैं आशीर्वाद देता हूं किसी जीवन में, बोले किसी जीवन नहीं, वो कहते किसी जीवन में भी उसकी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, इनकी मुंह से निकली हुई वाणी है गिरिराज की। वो सबका आशीर्वाद दिए और हाथ बढ़ा बढ़ा करके सबके सब खा रहे थे। बोले आनो रे और ले आओ, मिनट में सबको जो खा लिए। ब्रजवासी बोले ठाकुर जी हम गरीब है, हम इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। तब उन्होंने संतुष्ट हो गए ठाकुर जी। और जब कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल, वो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होता है ना थोड़ा खाने का उनकी थोड़ी सी लोभ रहता है। बोले कन्हैया ऐसे तेरे ठाकुर भूखे ठाकुर, अगली साल से ना तेरी गिरिराज की पूजा नहीं, हम तो इंद्र का पूजा करेंगे। बोले क्यों? बोले जब इंद्र पूजा करते थे जो सूखा प्रसाद एक महीना तक खाते थे, और तेरे गिरिराज इतने भूखे एक किनका भी छोड़े नहीं, सबके सब खा लिए। कृष्ण ने कहा हमारे गिरिराज को इस मत कहा करो, आंख बंद करो, सबके सब आंख बंद करो। जब आंख बंद किया इतने में गिरिराज जी अपना हाथ फेरा लिए, जो 1 किलो का लड्डू लाए थे हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का सूजी हो गया 4 किलो, जो 4 किलो का लाए थे कोई मिठाई हो गया 8 किलो, सबके सब डबल हो गया। मतलब है ठाकुर जी को कोई चीज भोग लगाओ ना भैया कभी कमी नहीं पड़ेगी घर में तुम्हारी। इसलिए क्या करनी चाहिए, रोज घर में जो कुछ खाना बने, ऐसे नहीं खुद खाना बने और चट कर लिया, नहीं, शास्त्र मना करता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा, जो व्यक्ति अपना लिए खाना बना कर खुद खाते हैं वो केवल पाप भोजन करते हैं।
और जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं, भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम अनिरस उपजायते, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाएगा घर का सब दुख कष्ट दूर हो जाएगी, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। प्रसाद मतलब आशीर्वाद है, इसलिए नियम है सुदामा गरीब क्यों बना, धनी क्यों बना, इसलिए गरीब बना कृष्ण को दिया हुआ वस्तु कृष्ण के लिए जो गुरु माता ने दिया तो सब छुपा छुपा कर खाए, इसलिए उसको गरीब भोगना पड़ा। धनी क्यों बना, जब कृष्ण के लिए दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए ठाकुर, दो मुठ्ठी खाई तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा हो, ठाकुर जी को भोग लगे ना माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, अगर ठाकुर को भोग नहीं लगाओगे फिर तो गरीबी आ जाएगी, क्योंकि जो चीज खरीद करते हैं पैसा से, पैसा लक्ष्मी, पैसा हमारी नहीं लक्ष्मी नारायण की, जब वो नारायण की सेवा में लगेगी तब घर में सुख शांति आएगी, नहीं तो घर में भले ही करोड़ों पैसे रुपया आ जाए घर में, अगर ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो ना घर में शांति नहीं रहेगी। लक्ष्मी लड़ाई लगा देगी बहू बहू में, भाई भाई में, कोर्ट कचहरी लगा देगी, नहीं तो इतने बीमारी दे देगी सारे पैसा तुम्हारी बह जाएगी। क्यों, लक्ष्मी तुम्हारे घर में खुश नहीं, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो लेकिन लक्ष्मी तुम्हारी है नहीं। इसलिए घर में एक ही चीज लेकर के जाओ, जो कुछ खाना खाएंगे ठाकुर को जरूर भोग लगाओ, गोपाल जी को तुलसी पत्ता से भोग जरूर लगाओ, लेकिन प्याज लहसुन खाओगे तो भोग नहीं लगा सकते हो, कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन धीरे धीरे प्याज लहसुन तुम्हारे छूट जाए, क्योंकि जैसे नवरात्रि रखते हो कोई भी 9 दिन तक ये प्याज लहसुन कोई नहीं खाते, क्योंकि ये गो मांस से ये प्याज बना, और लहसुन जो बना गैया की हड्डी से बना, और जो मसूर का डाल गैया की उनका बूंद से गिरा, इसलिए ये नवरात्रि में कोई नहीं खाते, और ठाकुर को वो भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगती है, इसलिए कोशिश करना ये चीज को छोड़ देने के लिए। फिर ये कहां से आ गई, ये प्याज लहसुन ये मांस मदिरा से आई कहां से, ये हिंदू लोग पहले कोई नहीं खाते थे, हर घर घर में ठाकुर को पूजा सेवा होती थी, इसको मुगल लोग ने लाए, मुसलमान लोग ने लाए, सब इस तो मुसलमान का लाया हुआ वस्तु, हमारी हिंदुओं का खाना ये नहीं, ये तामस की वस्तु है। इसलिए गिरिराज को भोग लगाया तो सबके सब डबल हो गया, सबके सब तरस उठल, क्यों बोले हम तो ठग गए, हमें पता नहीं तो था डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो पहले से थोड़ा ज्यादा लेकर के आते। इसलिए कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों चकाचक भजन करो, भजन करते हुए चलो हम श्री गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। ठाकुर जी स्वयं सबसे पहले कौन चल रहे थे, संत लोग चल रहे थे, उसको बाद में गैया चल रही थी, उसको बाद में ब्रजवासी, और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज की, राधा रानी सबसे पीछे, कृष्ण थे बीच में थे कृष्ण, अभी राधा रानी की इच्छा हो रही है क्या श्याम सुंदर मेरे को थोड़ा दर्शन देंगे, अगर कृष्ण मेरे को दर्शन देंगे मैं समझूंगी, फिर तो मेरे मन की बात कन्हैया जानते हैं, अभी राधा जी की मन की बात कृष्ण समझ गए, अभी कृष्ण तो बीच में राधा रानी पीछे दर्शन कैसे दे। इतने में कृष्ण ने किया कि गैया चरने का जो लकुट थी ना, वो लकुटी को उन्होंने जोर से ऊपर में फेंक करके किस कृष्ण जब उसको पकड़ने के लिए गए तो राधा रानी की दो आंख और कृष्ण की दो आंख मिलकर के एक हो गई, राधा रानी तो प्रसन्न हो गई, और थोड़ी दूर गए राधा रानी सोच रही है श्याम सुंदर क्या मेरे को इतना स्पर्श करेंगे। इतने में कृष्ण मन की भावना समझ गए, बोले स्पर्श कैसे करूं, उन्होंने एक बछड़े को मुंह पीछे करके उन्होंने उसका पूछ को ऐंट दी और बछड़ा फुदक कर हुए पीछे चला गया, और कृष्ण बछड़ा का बहाना बना करके पीछे पहुंचे और राधा रानी का स्पर्श कर दी, राधा रानी का तो एकदम रोम रोम खिली उठी, श्याम सुंदर मेरे को स्पर्श की। फिर और थोड़ी दूर गए, बोले कृष्ण क्या फिर दर्शन देंगे, अभी कृष्ण सोच रहे हैं कैसे राधा रानी को दर्शन दूं, बोले कृष्ण का जो लकुटी है ना वो हीरे जवाहरात से जड़े हुए, कृष्ण इतने में वो लकुटी को उन्होंने ऊंचा किया, जब ऊंचा की उसमें कृष्ण का जो प्रतिबिंब वो जो हीरे मुक्ता से जड़े हुए थे उसमें प्रतिबिंब पड़ी, और राधा रानी पीछे चल रही थी वहीं से उन्होंने वो प्रतिबिंब से श्री कृष्ण को दर्शन कर ली। बड़े आनंद से भगवान कृष्ण ब्रजमंडल को और गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा लगाए। अभी हमारे प्रभु जी एक गिरिराज के एक भजन गाएंगे, आप लोग सबके सब खड़े हो जाओ, यहाँ पर भोग लगाया कि नहीं ठाकुर गिरिराज को, हाँ आप लोग गिरिराज को भोग लगा दो, हाँ देखो कल है, बैठो एक मिनट, कल है कथा का विश्राम का दिन है,
और कल कथा हम लोग 2 बजे से करेंगे। कितने बजे से? 2 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक कोशिश करेंगे। और कल की कथा जो सुन लेना उसको 7 दिन कथा सुनने का फल उसको मिल जाएगी। इसलिए आप लोग कल टाइम ही से आ जाना, क्योंकि मेरे को विदेश जाना है। और कल भगवान बांके बिहारी जी का शादी है, भगवान कृष्ण की शादी है। जैसे शादी में बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके जाते हो ना, इसलिए कल बड़े एकदम लाल रंग की बढ़िया बढ़िया साड़ी चुंदरी पहन करके सबके सब सज्ज के आना। कल भगवान बांके बिहारी जी का शादी है। और कल सुदामा चरित्र है, क्योंकि कृष्ण सुदामा के 2 मुठ्ठी चिड़वा खाया तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया था। इसलिए कल आप लोग अपना घर से थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के आना सुदामा जी के लिए। और वो चावल में यहीं से आपको दूंगा, आप झोली से ले लेना और उसके कपड़े बांध करके अपना तेजरी हो, नहीं तो मंदिर में रख लेना। कहते माँ लक्ष्मी मेरे घर में जाती नहीं, घर में लक्ष्मी टिकी रहती है। इसलिए सुदामा जी के लिए चावल ले आना। जैसे कल रुक्मिणी की विवाह है, कोई कोई साड़ी देते हैं, अगर आप अच्छे साड़ी दोगे पर वृंदावन में राधा रानी को हम पहनाएंगे, अगर रुक्मिणी विवाह में अगर साड़ी दोगे तो ठीक है। हरे कृष्ण। आज जो प्रसाद का जो व्यवस्था है, कहते श्री राज माता जी का प्रसाद इनकी तरफ में प्रसाद है। अब इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार जितने जोर से। ठाकुर जी आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने से किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए ठाकुर जी इनको खूब कृपा करे और इनका भंडारा भर दे और हर गिरिराज गोवर्धन में ठाकुर का सेवा करते रहे। भैया नाम किसका? राजमाता जी कौन है? हाथ उठाओ तो। राजमाता जी कौन है? हाथ उठाओ। तुम्हारी नाम है? इधर ऊपर आ जाए। धन महाराज महाराज तेरे मात मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मात मुकुट विराज रहो, मात मुकुट विराज रहो तेरे मात मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, कानन कुंडल सोए रहे तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे तेरे कानन कुंडल सोए रहे, जंते माल हो माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे मुख पे मुरलिया सोए रहे, तेरे मुख पे मुरलिया सोए रहे, तेरे मुख पे तेरे मुख पे मुरलिया सोए रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, जो इनके उत्सव में नाचेगा ठाकुर उसको पूरा झोली भर देंगे, क्योंकि गिरिराज से जो मांगा तो वही देते हैं ना। वो देख रहे हैं मेरे कीर्तन में कौन नाच रहा है। देखना कभी कभी शादी में मेन रोड में तो पी पी करके पता नहीं पागल होकर के उल्टा पुल्टा डिस्को डांस में नाचते हैं, और भगवान की दरबार में नाचोगे तो ठाकुर देख रहे हैं कौन नाच रहे और कौन खड़ा है। सब कैसे नाचना? माथे मुकुट विराज रहो, जामा केसरिया जामा केसरिया।
माला जब करना चाहते हैं, हम लोग माला ले सकते हो। देखो हम दो तरह से माला देते हैं।